1979 से ये जंग पश्तूनों की धरती पे लड़ी जा रही है और जितने भी लोग आए चाहे वो यमुना जैसे डिक्टेटर की शक्ल में हो चाहे वो नवाज शरीफ हो कितनी हुकूमतें आई किसी को ना अफगान के साथ मोहब्बत दी ना खैबर पख्तूनख्वा के धरती के लिए थोड़ी सी रहम की। सब आए सब ने तजर्बे किए नतीजे में क्या मिला लहू खैबर पख्तूनख्वा कोई ऐसा शहर नहीं कोई ऐसा टाउन नहीं जहां खुदकर तमाके न उड़ी हो खैबर पख्तूनख्वा का शायद ही कोई कुंभ हो जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दहशतगर्दी की इस जंग में विक्रम न बना हो। हर घर में मैं अपनी मिसाल देता हूं मेरे कबीले ने 142 लाशें उठाई रोजाना जनाजे उठा रहे थे ये खुदकश हुआ अपने बाप मेरा बाप इस दहशतगर्दी का शिकार हुआ है और ये दहशतगर्दी है कि तमी नहीं रही है और तजर्बे आप अफगानिस्तान में करते हैं कभी इसको बिठाया कभी उसको बिठाने की कोशिश की कभी वॉरलॉग्स बनाए कभी तालिबान बनाए कभी इमारत इस्लामी की हुकूमत पे फतह की शादियाने बजाए लेकिन आज आपका नाम लेना कोई गवारा नहीं करता है। अफगानों की सरजमीन पे जब तक आप अपनी मुदाखलत खत्म नहीं करते हैं अफगानों को जीने दो ना जिस तरह वो जीना चाहते हैं क्या काम है हमारा कि हम अफगान की धरती पे प्राक्सी जंगे लड़े। वो अमीर गुल और जाऊडक जो कहा करते थे कि हमने रूस को शिकस्त दी ये काम था आपका कि अमरीका के लिए एक कंट्रीब्यूट बन के आप अफगानिस्तान में रूस के साथ जंग लड़े। फिर अमरीका जब आया तो आपने फिर डालन की जंग लड़ी और मुशर्रफ खुद लिखता है अपनी किताब में आज अगर बनू लहू लहू है बनू के साथ वजगाफ अल्फाज में कहता हूं अवाम के साथ दहशतगर्दी हुई है आपने हत्या अवाम पे फायर किए हैं 3 लोग शहीद हुए 18 जख्मी हुए ये खून ये बेगुनाह इंसानों का खून ये हम सारे पश्तूनों से तकाजा करता है कि कब उदिन आएगा जब तुम्हारी आंखें खुलेगी कभी आप एक के लिए इस्तेमाल होते हैं।